कितना सलोना रूप है इसका। मेरी पुत्री इस वन की राजकुमारी है। ऐसा लगता है जैसे कोई देवी नन्ही गुड़िया बनकर इस धरती पर आ गई है। इसका नाम क्या रखा जाए? इसे मैं शबरी के नाम से पुकारूंगा। शबरी, अरे वाह, कितना सुंदर नाम है। तुम देखना, ये बड़ी होकर अवश्य ही मेरा नाम रोशन करेगी। इसमें भला क्या संदेह है, शबरी हम सब की प्यारी और दुलारी है। बेटी शबरी, क्या बात है, आज आप अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। प्रसन्नता की तो बात ही है बेटी। मैं समझी नहीं। अरे बेटी, बेटी अब तो सयानी हो गई है और जब बेटी बड़ी हो जाए तो उसका विवाह कर दिया जाता है। बस इसी परंपरा को निभाते हुए हमने भी तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढ लिया है बेटी। अब एक दिन मेरे सपनों का राजकुमार आएगा और मुझे ब्याह कर ले जाएगा। बेटी शबरी, तुम किस सोच में डूब गई हो, क्या बात है बेटी शबरी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गावन गावन लगे पठान, शबरी के मन खुशियां छाई। सखियों के संग बेटियां, शबरी के मन खुशियां छाई। आ मेरी बेटी, मेरे पास आ। कुछ दिनों में ब्याह कर तू चली जाएगी। तुझे मन भर के देख तो लूं। माँ, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। धत पगली, बेटी तो पराया धन होती है। देख तेरे पिता ने ब्याह की कैसी तैयारी कर रखी है। तैयारी? मगर इन्हें क्यों लाया गया है? अरे, इनके भोजन से ही तो अतिथियों की आवभगत की जाएगी। क्या, इनके भोजन से मेरे विवाह की शुभ घड़ी में ऐसे निरीह पशुओं की बलि चढ़ाई जाएगी? ये तो पाप है। अब देखना सोचना बंद कर, तेरे पिता की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, वो अब अपने विचारों को नहीं बदलेंगे। तो फिर मुझे ही अपने विचार बदलने पड़ेंगे। क्यों मुढ़वन में वेधि गड़ा, या माता ने बेटी सुरों लगा कर ध्यान, तेरी सारी के भोजन में इन्हें लाए पित बलि चढ़ान, रिश्तेदार जुरे मन माने। क्या तुझे इतना भी नहीं ज्ञान, सुन सबरी के आंसू आ गए। ठान लई मन अपने ठान, घुट घुट जावे दम भीतर से। मैं विवाह करूंगी और न ही इन मासूम पशुओं की बलि चढ़ेगी। घुट घुट जावे दम भीतर से, जानत भाई क्यों बनू अनजान, मेरी शादी के कारण क्यों। इन भेड़ों की जावे जान, अर्ध रात्रि को भग जाऊं, बच जावे मिढ़वन के प्राण। हेते
अरे शबरी एकाएक बताए बिना कैसे चली गई? पता नहीं, कल तो वो अत्यधिक प्रसन्न दिखाई पड़ रही थी। अरे फिर ऐसा क्या हो गया? यदि उसके मन में कोई दुविधा थी तो वो मुझे बता सकती थी। ऐसा करो, उसकी तलाश कर मेरे समक्ष लाओ। उसकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। बस बस एक बार उसे ले आओ, जाओ ढूंढो उसे। सरदार, हमने चारों ओर ढूंढा, हर एक से पूछताछ की, परंतु शबरी का कोई पता नहीं चला। प्रिय शिष्यों, सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी ने अनेक प्राणियों की रचना की। कोई मनुष्य बना तो कोई पशु। ये सब स्वरूप हम अपने अपने कर्मों के कारण ही पाते हैं, इसलिए सभी प्राणियों पर दया भाव रखकर उनके साथ उत्तम व्यवहार हम सबको करना चाहिए। सूख रहे जंगल में प्राण पड़े ढोड़ा इतनी स्वच्छता। अरे सचमुच सचमुच स्थान तो बिल्कुल नया सा लग रहा है, पर ये चमत्कार हुआ कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं हमारी अनुपस्थिति में कोई इस स्थान पर आया हो? हो सकता है, हो सकता है मुनिवर। कोई ना देखे कुटी दरम्यान मुनिवर बोले हे शिष्या से, चेला सुनो लगा कर ध्यान, मुझको तो कुछ गड़बड़ लग रहा। अब एक काम देर का ना, छुप कर देखो उठ भुन सारे, झाड़ू आकर कौन लगाए, पकड़ के उसको शिष्यो सुन लो, गए हैं वृक्षों में आए, रात गई जब भवन सारो, सबरी झाड़ू रही लगाए, रात गई जब भवन सारो। यही चुप कर हम देखते हैं। जैसे ही वो यहाँ सफाई करने आएगा हम उसे घेर लेंगे। आखिर इस तरह चोरी छुपे कोई साफ सफाई क्यों करेगा? यही तो, अरे यही तो हम ज्ञात करना चाहते हैं कि आखिरकार इसके पीछे उसकी मंशा क्या है। चुप करो, लगता है कोई आ रहा है। अरे ये तो कन्या है। हाँ भाई, ये तो कन्या निकली। चलो चलो चलकर पूछते हैं उससे। नहीं नहीं, हम उसे मुनिवर के पास ले जाएंगे। भाई मुनिवर स्वयं पूछताछ कर लेंगे। हे हे कन्या, तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं तुम चलो हमारे साथ। मगर वगर नहीं, चलो मतंग ऋषिवर के कुटिया में। इस तरह तुम्हारे आने का अभिप्राय क्या है, ये सब उनके समक्ष चलकर तुम्हें बताना पड़ेगा। चलो हमारे साथ चलो। सबरी से कहा, सुनाए मतंग ऋषि ने तुम्हें बुलाया,
मणिवर। मणिवर ये वही कन्या है जो नित्य हमारी अनुपस्थिति में इस स्थान पर आती है और यहाँ की साफ सफाई करती है। कौन हो तुम और इस तरह चोरी छिपे आने के पीछे तुम्हारा अभिप्राय क्या है? मुनिवर, मैं भील कन्या शबरी हूँ। बिना आज्ञा यहाँ आने के लिए क्षमा चाहूंगी। मुनिवर, मैं नारायण दर्शन की चाह में भटक रही हूँ। इस पावन स्थल को देख मेरे मन ने कहा कि यही नारायण दर्शन हो सकते हैं। नारायण दर्शन, वो भी यहाँ? अरे पागल हो गई है लड़की। देखो पुत्री, नारायण दर्शन ऐसे नहीं होते। इसके लिए कठिन तप करना पड़ता है, अपने शरीर को गलाना पड़ता है। ऋषिवर, आप लोगों की सेवा ही मेरा तप है। मैं आजीवन सबकी सेवा करती रहूंगी। क्या पता इसी से मुझे पुण्य फल प्राप्त हो और भगवान के दर्शन हो जाएं। तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, तुम यहीं रहो। यदि सचमुच नारायण के दर्शन हो जाएं, तो हमारे भी भाग्य खुल जाएंगे। ऋषिवर, आपके इस आशीर्वाद से मैं धन्य हो गई। पुत्री, पुत्री, अब मुझे विदा दो। हम आपके बिना अनाथ हो जाएंगे। पुत्री, अब मुझे विदा दो। मैं जा रहा हूँ। मैं मृत्यु से पूर्व मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देना चाहूंगा कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तुम्हें बहुत जल्द श्री श्री नारायण के दर्शन लाभ प्राप्त हो। अपने दीने प्राण गमाए क्रिया कर्म संतों ने कीना, सबरी गई शोक में छाए, राम भजन में दुखिया लग गई। निस दिन
इस रूप पर मोहित हो चुकी हूँ। हे देवी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, परंतु आपके इस निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकता। तुम चाहो तो मेरे भ्राता लक्ष्मण से पूछ सकती हो। हे युवराज, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? कदापि नहीं। क्या मेरे रूप का इतना बड़ा अपमान? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अपने रूप पर इतना घमंड है तुम्हें? तो ये लो, मैं तुम्हें अभी कुरूप बना देता हूँ। स्वामी, वो देखिए कितना सुंदर मृग है। हाँ सीते। स्वामी, मुझे वो मृग चाहिए। क्या आप मुझे वो मृग लाकर दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लक्ष्मण, मुझे लगता है तुम्हारे भैया संकट में हैं। तुम अभी जाकर उन्हें देखो। परंतु भ्राता श्री ने मुझे यह आज्ञा दी है कि मैं आपको इस तरह छोड़कर कहीं ना जाऊं। ये मेरी आज्ञा है लक्ष्मण, क्या तुम मेरा मान नहीं रखोगे? ठीक है, आपकी आज्ञा का मान मैं अवश्य रखूंगा, परंतु आप मेरा एक आग्रह स्वीकार करें। मैं यहाँ सीमा रेखा खींच रहा हूँ, कृपया आप इन्हें पार नहीं करना। ठीक है, परंतु तुम अभी जाओ, शीघ्र। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। महाराज, ये लीजिए भिक्षा। देवी, मैं उधर नहीं आ सकता हूँ, अतः भिक्षा देने के लिए तुम्हें थोड़ा निकट आना पड़ेगा। ठीक है महाराज। हाथ पकड़ रख लिया बिठार, उड़ गया रथ आकाश मां।
धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए, परंतु नारायण दर्शन की राह देखने वाली शबरी की आस अब भी बंधी है। और फिर एक दिन ऐसा आया जब शबरी का सपना साकार हो गया। धन्य हो गई जो आपके चरण इस कुटिया में आए। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं। प्रभु, मेरे पास कुछ बेर पड़े हैं, आप इन्हें स्वीकार करें।